हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत हेल्दी और हैप्पी होंगे। आज की हमारी रेसिपी है बिसी बेले भात। ये एक कन्नड़ा वर्ड है जिसका मतलब है बिसी मीन्स हॉट, बेले मीन्स दाल। ये सब वेजिटेबल्स और दाल से भरपूर और प्रोटीनेशियस वेरी डिलीशियस रेसिपी है। यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ सब्ज़ी। आप यहाँ पर आपकी मनचाही सब्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इसको बारीक से चॉप कर लिया है। यहाँ पर मैंने लिए हैं बीन्स, पोटैटो और कैरेट। इसके साथ मैंने लिया एक टमाटर जिसको मैं चॉप कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने लिया बिसी बेले भात मसाला। ये रेडीमेड वाला पैकेट है जो अवेलेबल होता है कोई भी शॉप में, आप वहाँ पर इसको ख़रीद सकते हो। और मैंने लिया एक ऑनियन जिसको मैंने चॉप कर लिया है। इसके साथ ही हमें चाहिए टैमरिंड का रस या फिर इमली का पल्प, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पर टैमरिंड है तो मैं इसका रस निकालूंगी और इसका इस्तेमाल करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से आपको मैं बता रही हूँ, इसके साथ हमें चाहिए राइस 3 कप्स एंड तुअर दाल 1 कप। इसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और सारी की सारी सब्ज़ी इसमें डाल लूँगी और हम इसको प्रेशर कुक करेंगे। साथ में हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार सॉल्ट। इसके साथ हमें चाहिए टर्मरिक 1/4 चम्मच और एक्स्ट्रा स्पाइस के लिए यहाँ पर मैं ऐड करेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर बिसी बेले भात के मसाले में ही सारा स्पाइस अवेलेबल होता है तो एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा स्पाइस चाहिए तो मैं इसको यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। मैंने ऐड कर लिया पानी, लगभग 3-4 ग्लास पानी मैंने यहाँ पे ऐड किया और इसको प्रेशर कुक किया अबाउट 5 विजल्स तक। यहाँ पर देखिए कुकर की हालत क्या हो गई है, जब स्पाइसेस आप ऐड कर रहे हो तो कभी कभार ऐसे हो जाता है, तो बिसी बेले भात में तो पक्का होता है तो आप इसको देख के घबराइएगा मत, ये नॉर्मल है। तो यहाँ पर मैंने इसको अभी सारा का सारा प्रेशर रिलीज़ कर दिया है और इसको मैं अभी आपको खोल के बता रही हूँ। इसमें एक्स्ट्रा वाटर रिमेनिंग है अभी, तो ये कोई बात नहीं है। यहाँ पर फिर से हमें वाटर ऐड करना पड़ेगा, इमली का रस ऐड करना है। और अगर आप यहाँ पर टेस्ट करके देखोगे तो नमक भी आपको कम मिलेगा, वो भी ऐड करें। और बिसी बेले भात का मसाला भी ऐड करके हम इसको फिर से अच्छे से बॉयल करेंगे जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और राइस भी ब्रेक होना चाहिए, तब तक हम इसको अच्छे से पकाएंगे। कंटिन्यूसली हिलाते हुए हमें इसको अच्छे से पकाना है। लगभग 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और इसको मैं कंटिन्यूसली बीच बीच में हिलाती जा रही हूँ और पकाती जा रही हूँ। और इसको टेस्ट भी करके देखना है बार बार, आपको अगर कोई चीज़ की कमी हो तो उसको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर पानी कम है तो पानी ऐड कर रही हूँ मैं, और इसके साथ मैं ऐड करूँगी अच्छे से टेक्स्चर के लिए रेड फूड कलर।
ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो ऐड कर लो, नहीं तो ऐसे भी आप इसको सर्व कर सकते हो। अभी तो ये लगभग पक चुका है, तो अब हम देंगे तड़का। तो तड़के के लिए यहाँ पर मैंने छोटा सा तड़का पैन रख लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल। लगभग 3 से 4 चम्मच ऑयल ऐड कर लें। इसमें अब ये गर्म होने के बाद हम ऐड करेंगे मस्टर्ड यानी कि राय। इसके पीछे ही ऐड करेंगे करी पत्ता और ऐड करेंगे ऑनियंस और कैश्यू नट्स। इसको ऐड करने के बाद हम गर्म गर्म ऐसे ही इसको ट्रांसफ़र कर देंगे राइस में, फिर ये अच्छे से मिक्स कर देंगे और होगा सर्व करने के लिए। अभी तो ये रेडी हो गया है, तो मैं आपको यहाँ पर सर्व करके बता रही हूँ। इसके ऊपर हम डालेंगे खारा बूंदी, जो ये मिक्सचर की वैरायटी होती है, जैसे कि सेव होता है तो ये भी खारा बूंदी होती है, जो हम इस पे ऐड करेंगे और इस डिलीशियस रेसिपी का मज़ा लेंगे। तो ये बहुत ही डिलीशियस टेस्टी रेसिपी है फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ही ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहें। एंड थैंक यू फॉर ऑल दी वन हु हैव सब्सक्राइब्ड एंड रिक्वेस्ट फॉर दी वन हु हैवंट एट सब्सक्राइब्ड। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।